गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे और रात के 8 बज रहे हैं, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और आज आपके साथ शेयर करूंगी एक यम्मी सा रेसिपी जिसको सूरन बोलते हैं काफ़ी जगह पर, और हमारे यहाँ पर लोकल में ओल की सब्ज़ी बोलते हैं, जो कि दिवाली जब आता है तो उसमें हमारे इधर चोखा चटनी ये सब बनता है, ये शुभ होता है। तो उसी की सब्ज़ी आज बनने जा रही है। सूरन भी बोलते हैं काफ़ी जगह पे, बट हम लोग यहाँ पे लोकल के लोग ओल बोलते हैं। तो चलिए आज मैं उसी की सब्ज़ी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सारा कुछ रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं सब कुछ रेडी हो चुका है। एक एक करके आपको दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे कैसे बनाती हूँ मैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और पिछले ब्लॉग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारे प्यारे प्यारे सरप्राइज़ आने वाले हैं आपके लिए। और मेरी शादी भी फिक्स हो गई है, इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताना ज़रूर कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग उसी के पर्पस से लाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हो मेरी शादी का वीडियो देखना है, इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे भी आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले रेसिपी शेयर कर लेते हैं। सो गाइस, ये है सूरन जिसको हमने छील के अच्छे से कट कर लिया है, ऐसे पीसेस की तरह, ठीक है। इसको अच्छे से कट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, पानी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, देख सकते हैं आप। और इधर देखिए, ये प्याज कट करके रख दिया है, प्याज कट करके रख दिया है, दो बड़े बड़े प्याज हैं। और ये धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता, तेज पत्ता, थोड़ा सा लहसुन, सूखी मिर्च और ये अदरक लहसुन को अच्छे से कूट दिया है। देन अभी हम इसको बॉईल करेंगे, इस गर्म पानी में डालेंगे। तो सॉरी गिर गया, तो दिखाने के चक्कर में गिर गया। तो अभी इसको बॉईल कर देते हैं, फिर आपसे दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की क्या क्या होगा। तो अभी इसको 5 से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रख देते हैं बॉईल होने के लिए। बॉईल होने के बाद से आपको दिखाती हूँ। अभी इसको बॉईल होने देते हैं जब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो आटा गूंथ के रख दिया मैंने, अभी चावल बनाने के लिए देती हूँ और अदरक लहसुन को अच्छे से कूटना है। तो चलिए चावल भी रख देती हूँ फटाफट से अपने स्टोव में। तो ये थोड़ा सा सुबह का चावल बच गया है, इसको अपनी बाकी साइड में रख देती हूँ। और मैंने थोड़ा सा चावल बनाना है और मम्मी का एकादशी का व्रत भी है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की मम्मी एकादशी का व्रत करती है कि नहीं, कमेंट करिएगा गाइस प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर कमेंट नहीं करते हो, तो बहुत बुरा लगता है। और स्किप करके क्यों देखते हो, तो मैं इतना छोटा छोटा ब्लॉग बनाती हूँ। पहले मेरे से गलती हुआ कि मैं इतना लंबा ब्लॉग बनाती थी, तो आप लोग नहीं टाइम देते थे, तो समझ आता है। बट अब तो मैं 7 मिनट 6 मिनट 8 मिनट समथिंग इतना ही बनाती हूँ, फिर भी आप लोग नहीं इसमें वॉच करते हो, क्या गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी उबाल दिया है, अब इसको अच्छे से क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। सो गाइस देखिए, धुल के रख दिया है, अब इसका तलना है, तलने के बाद दिखाती हूँ इसको तलना है अच्छे से। तो गाइस वो फ्राई होने के बाद से आप देख सकते हैं गरम सब कुछ डाल दिया है, नमक डाल के अभी इसको 10 मिनट के लिए ढक के बनाएंगे। बनने के बाद आपको दिखाती हूँ, बिस्कुट ढक देंगे 10 मिनट बाद दिखाऊंगी। तो गाइस भूनने के बाद कुछ इस तरह से सब्जी बनेगी, देखिए। अब मैं फाइनल टच दिखाऊंगी आपको, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना। चलिए सो गाइस, ये सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, देखिए बहुत गर्म है। और अभी दूसरी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए कढ़ाई रखती है गर्म होने के लिए। और ये तो बन चुका है, कढ़ाई रख दिया है, अभी दिखाती हूँ क्या क्या लगेगा इसमें। सो गाइस इसमें है धनिया, जीरा और काली मिर्च, इसको अच्छे से हल्का सा रोस्ट करके और इसको पाउडर बना दिया है, देखिए कुछ इस तरह से। और ये देखिए वहाँ पे है, और ये देखिए ये है ग्रीन चिल्ली, ये है धनिया पत्ता, अदरक लहसुन, और ये है बॉइल्ड आलू। और इधर कढ़ाई में तेल डालेंगे लाइक दिस, सरसों का तेल है। अब इनको खट्टा मीठा आलू बनाना है, तो ये देख सकते हैं आलू बॉइल करके इसको पीसेज में कट कर लिया है। अभी इधर तेल गर्म हो जाए, देखिए अभी इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, अदरक भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर भी डाला है और ये इधर नमक मिर्च हल्दी, देखिए हल्का हल्का रोस्ट हो गया है। अभी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है खट्टा मीठा आलू, बहुत अच्छा लगता है। बॉइल्ड आलू डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, देखिए कुछ इस तरह से मिक्स हो गया है। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, इसको जीरा आलू भी बोलते हैं और खट्टा मीठा आलू भी बोलते हैं, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। अभी डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर, काफ़ी जगह पे इसको जीरा आलू बोलते हैं हम लोग, खट मुझे मैं तो खट्टा मीठा बोलती हूँ, क्योंकि इसमें नींबू भी डालते हैं, थोड़ा सा चीनी भी डाल देते हैं, वो अपने ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो डालो, नहीं तो जीरा वाला भी बना सकते हो। अभी ये जो फूट के हमने रखा था इसको डाल देंगे ऐसे,
बहुत टेस्टी बनता है गाइस, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सूखे सब्जी ये हो गया और ग्रेवी वाला ये हो गया सूरन की सब्जी जो अभी आपको दिखाई होगा, तो देख सकते हैं अभी टेस्टी टेस्टी डिनर। डालेंगे आमचूर पाउडर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप डाल सकते हो अगर आपको चटपटा सब्जी पसंद है तो। और इसमें नींबू भी डालते हैं थोड़ा सा, ऑप्शनल है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। सो गाइस देख सकते हैं बना रही हूँ और बन के रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी डिनर प्लेट जब लगाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी किचन को समेटना है, देन उसके बाद सबको डिनर भी देना है। तो चलिए मिलती हूँ डिनर टेबल पे, बाय बाय। गाइस हमारी डिनर की थाली रेडी हो चुकी है, ये तोरण की सब्जी है, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और ये है सैलेड, और ये है जीरा आलू, ये है चपाती, ये देख सकते हैं दो चपाती एंड राइस। ये आज का मेरा डिनर है, तो अभी मैं इसको खा के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। बताइए कैसा लगा आज का डिनर मेरा, खुद बनाई हूँ सब कुछ, सब कुछ मैं बनाई हूँ आज। ये मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी मैंने दे ही दिया है आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है विश्वकर्मा पूजा और मैं विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर रही हूँ, आप देखिए। जय हो विश्वकर्मा भगवान, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, पूजा हो चुका है। और ये रही मैं पूजा करने के बाद, अभी मैं थोड़ा सा काम करके फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थोड़ा पाठ कर लूँ देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जय हो विश्वकर्मा भगवान की जय। गाइस देखिए कल से ही बारिश हो रहा है, चारों तरफ बारिश बारिश बारिश, पानी पानी पानी। देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ है ना, रोमांटिक। सो गाइस कल रात से ही कंटिन्यूस वीडियो चल रहा है, और मैं बोली थी आप लोगों से बात करूंगी, बट ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि रेसिपी भी शेयर की हूँ देन उसके बाद से सारा कुछ आपको दिखाई हूँ। तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, आपको विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो आप लोग भी अपने घर में पूजा करिए और विश्वकर्मा भगवान को अपने घर में बुलाइए, और बस यही सब है आज का। और जो मैं बात बताने वाली थी अपनी शादी के टॉपिक पे, वो मैं दूसरे ब्लॉग में बनाऊंगी, जब अभी इसको एंड करूंगी देन उसके बाद जो स्टार्ट करूंगी उसमें आपको बताऊंगी कि मेरी शादी का क्या मतलब है, चल रहा है अभी बातचीत चल रहा है, क्या हो रहा है, फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलूँगी एक प्यारा सा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, बाय गाइज़।